बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सीएस हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चले हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। इसमें क्या होता है कि पेपर जो है वो उसका स्ट्राइक नहीं होता, मतलब इंक और जो पेपर हैं डायरेक्टली तौर पर उनका स्ट्राइक नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली मेथड के ज़रिए से जो इंक है वो पेज के ऊपर पेस्ट की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें कैरेक्टर्स भी हम कर सकते हैं और ग्राफिक्स को भी पेपर के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें पेपर की इंक के साथ स्ट्राइक नहीं होती, विद आउट स्ट्राइक ही हम पेपर के ऊपर इंक को है वो पेस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल अभी बताऊंगा। द प्रिंटर यूजर स्प्रे इंक आर लेज़र वाइल अदर यूजेस हीट एंड प्रेशर फॉर क्रिएटिंग स्प्रे प्रिंट ऑन पेपर। के हमारे पास कुछ प्रिंटर हैं जो इंक को स्प्रे करते हैं या लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं या हीट और प्रेशर के ज़रिए से इंक जो है वो पेपर के ऊपर पेस्ट की जाती है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर अगर वाइट बोर्ड है उस पर हम लिख रहे होते हैं तो जो हमारा मार्कर होता है वो बोर्ड के साथ टच होता है तो फिर ही उस पर लिखा जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि बोर्ड, वाइट बोर्ड और मार्कर दोनों एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं तभी उस पर जो है वो कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। तो ये क्या था? ये था इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरह से होता है कि हम मार्कर को उसके साथ टच नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उस पर लिख रहे हैं। एग्जांपल उसकी जैसे आप सिंपल ले लें कि हम मोबाइल में से, मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें अपनी सेल्फी बना रहे हैं। अब मोबाइल में हम तस्वीर तो बना रहे हैं लेकिन क्या हमारा फेस और मोबाइल का जो कैमरा है वो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, कि हमारा जो मोबाइल है उसका कैमरा और हमारा जो मतलब फेस है वो एक दूसरे उसके साथ टच नहीं हो रहे, लेकिन दूर से ही किसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए दूर से ही वो इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें भी हम डायरेक्ट उस पर पेस्ट नहीं करते, जैसे उसमें पिन्स थी वो पिन और हैमर का यूज़ करते हुए उस पर इंक जो थी वो पेस्ट की जाती थी करेक्टर या डॉट्स वगैरह, लेकिन इसमें उस तरह से नहीं होगा, इसमें इनडायरेक्टली मेथड के ज़रिए से इंक जो है वो पेज के ऊपर पेस्ट की जाएगी। सम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं? सबसे पहले इंकजेट, लेज़र प्रिंटर और लास्ट वन इज़ थर्मल प्रिंटर। ये उसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो मैं बता दूं। वर्किंग हमारे सामने एक छोटा सा डेमो है कि ये हमारे पास तीनों जो हैं ये इंक रिज़र्वर हैं। इंक रिज़र्वर से मुराद ये वो मतलब डिब्बे हैं यहाँ पर हमारी इंक जो है वो सेव होती है। ठीक है, हम इसमें एक कलर की इंक भी सेव कर सकते हैं और मोर देन वन कलर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो उसके बाद यहाँ से हमारी इंक जो है वो किस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल्व जो हैं वो लगे हुए हैं और लास्ट में उसके बाद आ रहा है जी सप्लाई पम्प। पंप क्या करता है? इंक को यहाँ से पंप करेगा, मतलब यहाँ से इंक को खींचेगा और खींच कर इधर ले जाएगा। ठीक है, अब मतलब पंप जैसे पानी वाला पंप होता है, मोटर हम लगाते हैं वो नीचे से ज़मीन से पानी को खींच कर ऊपर लाती है, तो इस पंप का भी वही काम है। यहाँ से इंक रिज़र्वर में से इनमें से इंक को पकड़ेगा और इंक को लेकर आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर, रेगुलर प्रेशर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नोज़ल्स लगाई हुई हैं, नोज़ल्स जो हैं यहाँ पर इंक आ रही है। यहाँ पर इंक लाने वाला कौन है जी? पंप। यहाँ पर इंक आने के बाद यहाँ से हम इंक को स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इंक जो है वो सीधी कहाँ पर जा रही है? ये आगे पेज है, पेज पर जा रही है। यहाँ पर रास्ते में हमारे पास करेक्टर सिग्नल्स हैं, मतलब चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जो सिग्नल्स को चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंट चार्ज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगी हुई हैं। डिफ्लेक्टिव प्लेट्स जो हैं या डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रोड जो हैं वो क्या करती हैं, उनका काम ये होता है, उनका काम ये है कि यहाँ से इंक जो है
यहाँ पर हम पेज के ऊपर भी सेंड करते हैं, और एक और चीज़ हमारे पास है यहाँ पर गटर है, मतलब यहाँ से जितने हमारे नोज़ल जो हैं वो जितने यहाँ पर डॉट्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे डॉट्स हम पेज के ऊपर नहीं गिरा सकते, क्योंकि अगर हम वो सारे डॉट्स पेज के ऊपर गिरा देंगे तो वो सारा पेज जो है वो कलर हो जाएगा। लेकिन हमने सारे पेज को कलर नहीं करना, हमने डिज़ायर्ड ग्राफिक्स या डिज़ायर्ड करेक्टर्स जो होते हैं सिर्फ वही हमने यूज़ करने। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये डिफ्लेक्टिव प्लेट्स उसकी हेल्प करती हैं, डिफरेंट चार्ज उनको प्रोवाइड करती हैं। डिफ्लेक्टिव प्लेट्स जो हैं, अब ये डॉट्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना डिफ्लेक्टिव प्लेट्स का काम है, यहाँ से उनको चार्ज मिलता है। जो डॉट्स हमने पेज के ऊपर गिराने होते हैं, देखें वो पेज के ऊपर जा रहे हैं और डिफरेंट तरह की एनिमेशन, मतलब डिफरेंट तरह के वर्ड्स या ग्राफिक्स जो हैं वो बना देते हैं, जबकि बाकी जो डॉट्स हम पेज पर नहीं गिराना चाहते वो हमारे सीधर किधर चले जाते हैं, गटर में, और गटर से वापस वही हमारी जो इंक है वो हमारे इंक रिजर्वर में आ जाती है, ठीक है। दोबारा से इंक रिजर्वर में से पंप खींचकर इंक को ले जाता है नोज़ल की तरफ, नोज़ल पर हमें जो मतलब हमारी इंक होती है उसको चार्ज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, मतलब डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं, वो उनको हेल्प करती हैं कि कौन से डॉट्स हमने पेज के ऊपर गिराने हैं और कौन से डॉट्स हमने पेज के ऊपर नहीं गिराने, तो वहाँ उनको मैनेज किया जाता है। बाकी जो हमने हमारे जो डिज़ायर्ड्स मतलब ग्राफिक होती है या करेक्टर होती है उनके हिसाब से जो डॉट्स हैं वो पेज पर चले जाते हैं, बाकी गटर में आ जाते हैं, और गटर से वापस वही जो डॉट्स हैं वो हमारे इंक रिजर्वर में आ जाते हैं, मतलब वही इंक हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी इंक जेट प्रिंटर्स, उनकी वर्किंग, उनकी थ्योरी थोड़ी सी। इंक जेट प्रिंटर्स आर अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द पेज बाय स्प्रिंग लिटिल ड्रॉप्स ऑन पेज। इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट या ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए इंक के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो पेज के ऊपर मतलब उनको स्प्रे किया जाता है। इट प्रोड्यूस इन बेटर क्वालिटी प्रिंट इन बोथ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट, दोनों ही कलर भी प्रिंट हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। मोस्ट इंक जेट प्रिंटर्स हैव टू प्रिंट कैटरीज, जिसमें वो कहता है कि मोस्टली दो होते हैं, मतलब एक ब्लैक एंड वाइट के लिए, कलर के लिए इनफैक्ट। वंस कंटेन ब्लैक इंक एंड अदर कंटेन कलर इंक, ठीक है जी। इंक जेट प्रिंटर्स प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन ऑफ 300 डॉट्स पर इंच, के एक इंच में 300 डॉट्स तक हो सकते हैं। द लेटेस्ट प्रिंटर्स प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन, मतलब जो हमारे आजकल के प्रिंटर हैं लेटेस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी रेजोल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, मोर देन 300 डॉट्स से। इट्स स्पीड इज़ स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर, इट्स स्पीड इज़ 10 to 35 पेजेस पर मिनट। लेज़र प्रिंटर से तो स्लो हैं, लेकिन फिर भी एक मिनट में 10 से लेकर 35 पेज जो हैं वो प्रिंट कर सकता है। इट्स प्राइस इज़ लेस देन लेज़र, इनफैक्ट इसकी प्राइस भी लेज़र से कम है। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस लेस नॉइज़ बट प्रिंट इन बेटर क्वालिटी विद ग्रेटर स्पीड, के इसकी जो मतलब नॉइज़ जो उसका शोर होता है वो कम है, और लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर है और स्पीड भी ठीक है। उसके बाद हमारे आ रहे हैं जी नेक्स्ट वन है लेज़र प्रिंटर। अब उसकी डायग्राम के ज़रिए से पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, ये हमारा लेज़र स्कैनर यूनिट है, यहाँ से जो भी चीज़ हमने प्रिंट करना होती है उसको स्कैन किया जाता है। ये ना मतलब ये बिल्कुल होता है हमारा फोटोकॉपी मशीन की तरह। फोटोकॉपी मशीन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखें तो हमारे पास ये यहाँ से हम स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करके किधर जा रहा है, मिरर की तरफ, ठीक है। मिरर जो है यहाँ पर हमारा है जी फोटो कंडक्टर ड्रम, ये लेज़र्स बन रहे हैं, यहाँ मिरर से लेज़र बनाए जा रहे हैं, और लेज़र किधर जा रहे हैं, ड्रम के ऊपर, और ड्रम के ऊपर जैसे जैसे लेज़र जा रहे हैं वैसे वैसे ड्रम के ऊपर जिस हिसाब से लेज़र हैं उसी हिसाब से करेक्टर्स जो हैं वहाँ पर बनते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ है जी टोनर, टोनर वो मतलब डिब्बा है जिसमें हमारी इंक होती है। अब जो टोनर है उसकी इंक सिर्फ उस जगह पर पेस्ट की जाएगी जहाँ पर वो लेज़र्स होंगी, ठीक है। जहाँ पर लेज़र्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर इंक पेस्ट हो जाएगी, जहाँ पर एब्सेंट हैं वहाँ पर इंक जो है वो पेस्ट नहीं होगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद है जी चार्जिंग इलेक्ट्रोड, यहाँ से जो हमारा फोटो कनेक्टर ड्रम है उसको चार्ज भी मिल रहा है, चार्ज उसको मिल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से नीचे से पेज गुजरता है, पेज गुजर रहा है, जैसे ही लेज़र आई, लेज़र के साथ ही उस पर इंक पेस्ट हुई। अब जो ड्रम है वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो नीचे से पेज गुजरेगा, जहाँ जहाँ पर इंक होगी, इंक जो है वो पेज के ऊपर पेस्ट होती जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से स्कैन किया जा रहा है फ़ोटो को, यहाँ पर मिरर के ज़रिए से हम लेज़र बना रहे हैं, वो लेज़र किस पर बन रहे हैं, जाकर फ़ोटो कंडक्टर ड्रम पर। ठीक है, यहाँ से टोनर है, टोनर से इंक जो है वो उस फोटो कंडक्टर के ऊपर पेस्ट की जाती है, पेस्ट, और सिर्फ उसी जगह पर पेस्ट होती है जहाँ पर वहाँ पर लेज़र्स होती हैं, बाकी जगहों पर पेस्ट नहीं होती। अब जो ड्रम है ये रोटेट करता है और नीचे से पेज गुजरता है, पेज उस पेज के ऊपर जो इंक है वो पेस्ट करता जाता है। उसके बाद यहाँ पर हीटर भी होता है, वो हीटर क्या करता है, उसको हीट प्रोवाइड करता है पेज को, जिससे हमारी इंक जो है वो फिक्स हो जाती है उसके ऊपर, और वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब हम पेज मतलब फोटोकॉपी करवाते हैं तो वो स्टार्ट में थोड़ा सा गर्म होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर हीटर होता है। ठीक हो गया, उसके बाद इसकी थोड़ी सी थ्योरी। अ लेज़र प्रिंटर वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लेज़र प्रिंटर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये उसका स्टैंड्स फॉर था, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है। लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर बाय डायरेक्टिंग अ लेज़र बीम एट अ मिरर विच बाउंस द बीम ऑन अ ड्रम। ठीक है, मतलब मिरर पर हम क्या बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, और वो लेज़र जो हैं वो ड्रम, फोटो कंडक्टर ड्रम जो था उस पर बाउंस किए जाते हैं। द ड्रम पेस्ट दीज कंटेंट्स ऑन पेज, और जो कंटेंट्स होते हैं उस ड्रम के ऊपर, वो कंटेंट्स जो हैं वो पेज के ऊपर पेस्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद है जी, द इंक पाउडर इज़ कंटेन्ड इंक टोनर, और इंक टोनर वहाँ पर मौजूद होता है, जिसमें इंक जो है वो पाउडर की शक्ल में मौजूद होती है। इंक यहाँ पर लिक्विड नहीं होती बल्कि पाउडर होती है। एज द पेपर रोल बाय द ड्रम द टोनर इज ट्रांसफर टू द पेपर प्रिंटिंग द लेटर आर अदर ग्राफिक्स ऑन द पेपर, और ड्रम जो है वो रोटेट करता है, रोल करता है, और पेज के ऊपर जो भी उस पर ग्राफिक्स थे या करेक्टर्स थे वो सारा मटेरियल पेज के ऊपर पेस्ट कर देता है। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज हाई एंड दे प्रिंट हाई क्वालिटी विद आउट प्रोड्यूसिंग नॉइज़, और किसी भी शोर के बगैर वो हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है। इट प्रिंट्स अ पेज एट अ टाइम, प्रिंट्स इट्स स्पीड इज़ अप्रोक्सीमेटली फ्राम 5 to 35 पेजेस पर मिनट, और एक मिनट में 5 से 35 पेज जो हैं वो प्रिंट कर सकता है। इट्स स्पीड इज़ फास्ट देन इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, द स्पीड इज़ डिपेंड ऑन द कॉन्टेंट्स दैट आर बींग प्रिंटेड, हमेशा जो कॉन्टेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जबकि जो हमारा करेक्टर्स होते हैं वो कम टाइम में प्रिंट हो जाता है। द टेक्स्ट प्रिंट्स आर प्रिंटेड फास्टर देन ग्राफिक्स, लेज़र प्रिंटर्स प्रिंट्स 1200 डॉट्स पर इंच आर मोर, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो भी उससे बेटर है, उसमें 300 डॉट्स था जबकि इसमें 1200 DPI है। थर्मल प्रिंटर्स, अ थर्मल प्रिंट थर्मल इम्पैक्ट प्रिंटर और इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूजेस हीट पिंस टू बर्न इमेज ऑन हीट सेंसिटिव पेपर एंड कलर वैक्सीज, के इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम हीट का इस्तेमाल करके और कलर वैक्सीज का इस्तेमाल करते हुए पेज के ऊपर जो मतलब इंक होती है उसको पेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर प्रिंट जो है वो किया जाता है। दीज प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज इन कैलकुलेटर्स एंड फैक्स मशीन्स, और फैक्स मशीन और कैलकुलेटर वगैरह में इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आजकल लाहौर में चले, हम उसकी एग्जांपल लें, तो वहाँ पर जो बसेस न्यू चल रही हैं, ठीक है, मेट्रो, वहाँ पर जो मतलब हमारे सॉरी मेट्रो की बात करूँ, जो आम बसेस हमारी चल रही हैं, तो उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है, वो जैसी टिकट आप लेते हैं वहाँ से, मतलब आपने किराया देना होता है, तो उसी वक्त छोटी सी मशीन उनके पास है, वहाँ पर आपका किराया जो है वो लिखा जाता है, और वहाँ से उसी वक्त उनके पास प्रिंटर भी होता है, मतलब वही छोटी सी मशीन, उसमें प्रिंटर भी फिक्स होता है, और वहाँ से ही उसका जो आपको मतलब टिकट है वो मिल जाती है कि आपने इतना किराया पे किया है। ठीक है, उसकी इसके बाद हम
हम बड़े बड़े जनरल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रिंटर पड़े होते हैं जहाँ से हमें रसीद मिलती है कि हमने क्या चीज़ें परचेज़ की और हमारा टोटल बिल जो है वो कितना बनता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे थर्मल प्रिंटर्स थे। दे आर एक्सपेंसिव एंड यूज्ड कोस्ट पेपर, मतलब एक्सपेंसिव होते हैं और पेपर भी अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं, आम पेपर, ये आम पेपर इस्तेमाल नहीं होता। ये उसकी इमेज है थर्मल प्रिंटर की, ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये छोटा सा बिल भी दिखाया गया साथ, और इसी पर्पज़ के लिए मोस्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेबलेस्ट, अल्लाह हाफिज़।